हमारे देश भारत में कई ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल हैं, पर कहीं ना कहीं से वो दुनिया से छुपी हुई हैं। ऐसी ही तीन रोचक और इंस्पायरेशनल कहानियां लेकर हम इस एपिसोड में हाजिर हैं, तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पहली कहानी जिनके बारे में है, उन्हें हम कहते हैं द बर्डमैन ऑफ इंडिया। मिलिए जोसेफ सीकर से। जोसेफ सीकर चेन्नई के रहने वाले हैं और वो अपने काम की वजह से बहुत मशहूर हैं। जोसेफ सीकर पिछले 16 सालों से अपने घर की छत पर हर रोज़ 4000 पैरट्स को खाना खिलाते हैं। इस काम में जोसेफ की 40% इनकम खर्च हो जाती है, पर वो इस काम से इतने खुश हैं और इस काम को ईश्वर का दिया गया एक तोहफा समझते हैं, उन्हें इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। 2004 में आई हुई सुनामी के चलते पक्षियों का आना जोसेफ के घर पर शुरू हुआ और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज हर रोज़ 4000 पैरट्स उनके घर की छत पर आकर खाना खाते हैं। जोसेफ को अपने काम से इतनी खुशी मिलती है कि वो इसे ईश्वर का दिया गया एक तोहफा समझते हैं। दूसरी कहानी हमें ये दिखाती है कि हर रोज़ की गई एक छोटी छोटी कोशिश भी बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। ये कहानी है जादव की। आसाम में रहने वाले एक किसान जादव ने अकेले अपने दम पर एक पूरा फॉरेस्ट ग्रो किया और ये पूरा फॉरेस्ट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40 साल में ग्रो किया। अपने गार्डन के पेड़ों की कटिंग्स को लेकर अपने आसपास के डिफॉरेस्टेटेड लैंड डेजर्ट्स में लगाया और एक 40 साल के अंदर एक पूरा फॉरेस्ट ग्रो कर दिया, वो भी एक डेजर्टेड कंडीशन से। पर यह काम इतना आसान नहीं था। हर रोज़ 2-3 घंटे चलने के बाद, एक नदी को पार करने के बाद जादव एक प्लांट लगाते थे और इस एफर्ट के चलते 40 साल में उन्होंने एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ग्रो किया। जादव के इसी काम के चलते उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री का सम्मान भी मिला है। अगली कहानी है एक किसान की जिन्हें हम कहते हैं एम्बुलेंस दादा। मिलिए करीमुल हक से। वेस्ट बंगाल के रहने वाले करीमुल हक पिछले कई सालों से मुफ्त में गरीबों को एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने अपनी बाइक से बनाई है। 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हॉस्पिटल होने के चलते ये मुफ्त में बीमार लोगों को अपनी एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं मुफ्त में इलाज के लिए। उन्होंने अब एक हॉस्पिटल भी खोला है जहां पर वो मुफ्त में इलाज प्रोवाइड करते हैं। करीमुल हक को भी अपने काम के लिए भारत सरकार से पद्मश्री का सम्मान मिला है। ये तीन कहानियां थी इंडिया से, जो दिखाती हैं कि इंडिया में ह्यूमनिटी अभी भी मौजूद है और ह्यूमनिटी कितनी खूबसूरत है। इसी नोट के साथ साइनिंग ऑफ।